हेलो मेरे प्यार बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आपके हिंदी के पेपर को देख करके दिल खुश हो गया और कल के दिन में 1500-1600 बच्चों के कमेंट को देखकर और भी सुकून मिला कि हमारे इतने दिन की मेहनत और आपकी मेहनत रंग लाई। बहुत सारे बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए हैं, एकदम फोड़ कर रख दिया है, लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे, 99% बच्चों का तो कमेंट है कि पेपर मजेदार तरीके से गया, लेकिन कुछ बच्चे 1% ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि फालतू के बकवास करते हो, फालतू का पढ़ा रहे हो, बेकार है, एकदम फेक है। तो ऐसे बच्चों से मेरी विनम्रता के साथ विनती है, हाथ जोड़कर, कि अपना नॉलेज रखो अपने पास, अपने घर बैठो, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे चैनल हैं, जाकर के पढ़ लीजिए, जो दावा करते हैं 110% आएगा, 101% आएगा। हमारे साथ जो भी 50,000-60,000 बच्चों का प्यार इस समय प्रेजेंट में मिल रहा है, बस उनके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए नहीं जो आकर फालतू का यहां पर बकवास करते हैं। आप अदर कहीं पर भी जाकर पढ़ लीजिए, आपके लिए कोई भी भाई बंधन नहीं। हम नहीं कहते कि आप आकर हमसे पढ़िए, ठीक है ना। खुद तो साल भर मौज मस्ती अय्याशी करोगे, उसके बाद सारा आरोप हम पे लगा दिया कि जो पढ़ाते हो फालतू है। तो भाई आप जाइए, कहीं पर भी पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी ईश्वर से हम दुआ करेंगे आपको सद्बुद्धि दें, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएं, कहीं पर भी रहें। तो चलिए बच्चों, आज हम इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं। टॉपिक है अनसीन पैसेज, और आपको बता दें बच्चों, ये टॉपिक आपके एग्जाम में 15 नंबर में पूछा जाएगा, और आपके एग्जाम में बात करें पेपर का पहला ही क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज। अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट हमने देखा अनसीन पैसेज में बहुत ज्यादा दिक्कत होती। अरे कुछ नहीं है बबुआ, आज के इस वीडियो में हम आपको इतना आसान तरीका बताएंगे, ऐसी बेसिक सी कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिनके मदद से आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, भले इसका अर्थ निकालना ना आए, ठीक है ना। बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना और फिर कमेंट करना कि कैसा होता है अनसीन पैसेज। देखिए बच्चों, अनसीन पैसेज बोले तो जिसको आपने सीन नहीं किया है, यानी ऐसा पैसेज जिसको आपने पहले नहीं देखा है। हिंदी में कहते हैं अपठित गद्यांश, जिसको आपने पहले से पढ़ा नहीं है उसे कहते हैं अनसीन पैसेज इंग्लिश में, ठीक। अब देखिए, अनसीन पैसेज में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है बच्चों डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसके आंसर डायरेक्टली इसी पैसेज से मिल जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा बनाना नहीं है। और इनडायरेक्ट मतलब ऐसा क्वेश्चन बच्चों जिसके आंसर को थोड़ा अपने शब्दों में, थोड़ा अपने से बना करके लिखने का प्रयास करिए, बाकी उसके आंसर भी इसी में होते हैं। इस पैसेज को देने का सिर्फ एक मकसद होता है कि बच्चों की मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाए कि क्या उनके अंदर ऐसी क्षमता है, मानसिक क्षमता है कि भाई वो कुछ कर सके, कुछ बनाकर लिख सके, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं, मजेदार ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे। पहले आप इसको क्या करिए बच्चों, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का पहला स्टेप है कि सबसे पहले पैसेज को पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए हम पढ़ लेते हैं, भले आपको अर्थ निकालना नहीं आता, डोंट वरी, ठीक है ना। देखिए पैसेज क्या है बच्चों, कि मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड। कह रहा है कि मैन्स लाइफ, यानी व्यक्ति का जो जीवन है, इज नॉट मेजर्ड, नहीं मापा जा सकता बाय द नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या में, यानी व्यक्ति का जो जीवन है दिनों की संख्या में, या फिर कह रहा है कि महीनों की संख्या में और वर्षों की संख्या में, यानी सालों की संख्या में नहीं मापा जा सकता, ठीक है ना बच्चों। दैट ही हैज लिव्ड, यानी जो उसने जिया है, मनुष्यों का जो जीवन है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का जो जीवन है बच्चों, वो दिनों की संख्या, महीनों की संख्या और वर्षों की संख्या में नहीं गिना जा सकता जो कुछ उसने जिया है। आगे कह रहा है कि बट बाई द डीड्स, बल्कि क्या है बच्चों, कार्यों, कर, यहां देखिए डीड्स मतलब कार्यों, यानी कर्मों, जो कर्म करते हैं ना, बल्कि क्या है, कर्मों से गिना जाता है, ही हैज डन, जो उसने किया है, एंड और बाय द अचीवमेंट, और उन उपलब्धियों के द्वारा किया जाता है, ही हैज मेड, जो उसने बनाया है,
मतलब समझ में आ गया ना, कह रहा कि मनुष्यों मतलब व्यक्तियों का जो जीवन है वो दिनों की संख्या, महीनों की संख्या और सालों की संख्या में नहीं गिना जा सकता, मतलब नहीं गिना जाता जो कुछ उसने जिया है, बल्कि उन कर्मों के द्वारा गिना जाता है जो उसने किया है और उन उपलब्धियों के द्वारा किया जाता है, ठीक, कि जो उसने बनाया है या जो उसने पाया है, ठीक है ना। देखिए आगे लिखेंगे, आगे कह रहा है कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। कह रहा व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ, यानी जो जीवन में रियल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है वास्तविक महत्व। रियल का मतलब असली, यानी वास्तविक, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बच्चों महत्व, ठीक है ना। यानी जीवन का, जीवन का जो कुछ मतलब वास्तविक महत्व है इज नॉट द क्वांटिटी, वो मात्रा नहीं है, यानी कोई क्वांटिटी यानी वो मात्रा नहीं है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि क्या है कि अनुभव की गुणवत्ता है, ठीक है ना, अनुभव की गुणवत्ता है। और आगे क्या कह रहा है बच्चों कि ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फार मोर वैल्युएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंड इन ट्राइवियल परस्यूट्स। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड, आपको अर्थ निकालना नहीं आता, डोंट परी बच्चों, आपको अर्थ निकालने की जरूरत भी नहीं है, यानी इसको इसलिए पढ़ना है एक बार अच्छे से ताकि ये जो शब्द हैं इनको तो इसमें मिला सको कि भाई ये मिजर्ड है तो मिजर्ड में लिखा कहां है रसगुल्लो, इतना होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए पढ़ना है। कह रहा है कि ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स का मतलब एक छोटा जीवन, डिवोटेड समर्पित टू नोबल एंडेवर्स का मतलब होता है बच्चों कि अच्छे और प्रयास, अच्छे प्रयासों को समर्पित या अच्छे प्रयास को समर्पित एक छोटा जीवन इज फार मोर वैल्यूएबल, वो अधिक कीमती है यानी अधिक महत्वपूर्ण है देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंड इन ट्राइवल परसेट्स, मतलब सैकड़ों वर्ष बिताए गए तुच्छ क्रिया कलाप की अपेक्षा। मतलब कह रहा है कि एक अच्छे कर्म को समर्पित छोटा जीवन सैकड़ों वर्ष तुच्छ कार्यों में, सैकड़ों वर्ष है ना ये 100 years, सैकड़ों वर्ष तुच्छ कार्यों में बिताए गए लंबे समय की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है, यानी अधिक कीमती है। आगे क्या कह रहा है बच्चों, फिर आगे कह रहा है कि वी लिव इन ए डीड नॉट इन ईयर्स, हम कर्मों में जीते हैं ना कि वर्षों में, हम क्या है कर्मों में जीते हैं, वी लिव इन ए डीड, हम कर्मों में जीते हैं, कर्म में जीते हैं। कर्म बोले तो ये जो आप क्या है भाई, आपका जो फर्ज होता है जो आप कर्म कर रहे हैं, ठीक, नॉट इन ईयर्स ना कि वर्षों में, हम कर्मों में जीते हैं ना कि वर्षों में। आगे कह रहा है कि नोबल डीड्स मतलब नेक काम या अच्छे कर्म, स्प्लेंडिड आइडिया शानदार विचार एंड फाइन सेंटीमेंट्स और अच्छी भावनाएं, ये क्या करती हैं, कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, क्या करती हैं वो, क्या करती हैं, देखिए एक कह रहा है कि कंस्टिट्यूट निर्माण करती हैं द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, मतलब किसी कैरेक्टर के वास्तविक भाग्य का, ठीक है ना, किसी कैरेक्टर के क्या करती हैं वास्तविक भाग्य का, असली भाग्य का निर्माण करती हैं। एंड नॉट द लेंथ, ना कि लंबाई का ऑफ टाइम, ना कि उस लंबाई का, वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, जो उस क्या है संसार में उसने जिया है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो नेक काम है और अब क्या है स्प्लेंडेड आइडिया शानदार विचार है एंड फाइन सेंटीमेंट और अच्छी भावनाएं हैं, वो क्या करती हैं, वो कैरेक्टर के एक वास्तविक भाग्य का वो क्या करती हैं निर्माण करती हैं, ना कि एक लंबे समय का जो क्या है हमने, यानी जो हमने इस संसार में जिया है। तो ये क्या है बच्चों पैसेज है। अब देखिए यहां से शुरू होती है पूरी कहानी, एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब आपका काम क्या है, देखिए बच्चों अब जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले आपके माइंड में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों आपको उसी टेंस में लिखना है। पहली बात ध्यान से सुनना कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर,
उसी टेंस में लिखना है जिस टेंस में आपका क्वेश्चन हो। कहने का अर्थ ये है भाई साहब, अगर इज एम आर से शुरू होता है इज एम आर से बनाइएगा, वाज बेयर लगा है तो वाज बेयर से आंसर आप देने का प्रयास करिए। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया है, ठीक है ना, क्योंकि 15 नंबर बहुत होते हैं। कह रहा कि हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, कि जो व्यक्ति का जीवन है किसके, मतलब कैसे मापा जाता है। मिल गया बबुआ जवाब, मनुष्यों का या व्यक्तियों का जीवन कैसे मापा जाता है। देखिए ऊपर लिखा है कि मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड, नहीं मापा जाता किसके द्वारा। इसमें यह नहीं पूछा है कि मनुष्यों का जीवन कैसे नहीं मापा जाता, बल्कि पूछा है बच्चों कि हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, कि व्यक्ति का जीवन कैसे मापा जाता है। तो देखिए कहा गया है बबुआ यहां से, बट बाई द डीड्स ही हैज डन एंड बाई द अचीवमेंट ही हैज मेड। तो लिख देंगे बच्चों, ठीक है ना, यहीं से पूरा छाप दीजिए। आपको नहीं पता, हमने बताया ना, नहीं याद है, डोंट वरी, मिलाइए तो सही। देखिए इसमें तो ये कहा कि भाई व्यक्ति का जीवन दिनों में, महीनों में, सालों में नहीं मापा जा सकता जो उसने जिया है, बल्कि अच्छे बल्कि क्या है, कर्मों से मापा जाता है जो उसने किया है, और क्या है उनके अचीवमेंट का मतलब जो उपलब्धियों से मापा जाता है जो उसने पाई है, यानी जो उसने बनाई है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि मैन्स लाइफ इज मेजर्ड, ठीक है ना। देखिए यहां पर देखिए हमने बताया ना, आंसर आपको लिखना है तो आप भाई पहले करता तो लिखेंगे मैन्स लाइफ, अब इज एम आर है बच्चों, इज एम आर इज मेजर्ड, इतना लिखेंगे मेजर्ड। अब उसके बाद ये छाप दीजिए, बाई द डीड ही हैज मेड एंड बाई द अचीवमेंट ही हैज मेड, ठीक है ना रसगुल्लों, यानी ही हैज डन यहां पर है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, मतलब क्या है कि जो व्यक्ति का जो जीवन है वो कर्मों से मापा जाता है, कर्मों से गिना जाता है जो उसने किया है, और उन उपलब्धियों से गिना जाता है जो उसने बनाई है। आंसर मिल गया है, कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा समझना है, ठीक है ना। अब ये मत छाप दीजिएगा यहां से कि मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड, भाई मैन्स लाइफ मिल गया, अरे यहां पर पूछा है कि व्यक्ति का जीवन कैसे मापा जाता है, और इसका आंसर मिल रहा है कि व्यक्ति का जीवन नहीं मापा जाता। तो भाई अगर पूछता कि कैसे नहीं मापा जाता तो हम पूरा यहां से यहां तक छाप देते। एक का आंसर मिल गया बच्चों, कैसे करना है समझ में आ गया। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ आर ए लॉन्ग लाइफ, मतलब कह रहा है कि कौन सबसे ज्यादा कीमती है, महत्व, यानी किसका सबसे ज्यादा महत्व है। कह रहा है कि ए शॉर्ट लाइफ, एक छोटे जीवन का, आर अथवा ए लॉन्ग लाइफ, अथवा एक लंबे जीवन का। तो आप बताइएगा कि किसका महत्व है। इसमें देखिए लिखा है रसगुल्लों कि अच्छे प्रयास को समर्पित एक छोटा जीवन वर्षों वर्षों व्यतीत किए गए तुच्छ बेकार क्रियाकलाप की अपेक्षा अधिक कीमती है। तो इसका मतलब आंसर मिल गया तो हम लिख देंगे, आंसर में ऐसा लिखेंगे बच्चों कि ए शॉर्ट लाइफ इज मोर, ए शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, मोर, ठीक है ना, क्या लिखेंगे कि मोर वैल्यूएबल, वैल्यूएबल उसके बाद लिख देना बच्चों देन ए लॉन्ग लाइफ, ठीक है ना, देन ए वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ, ठीक, लॉन्ग लाइफ, समझ गए ना। यानी आंसर देखिए कुछ आपको बनाना पड़ रहा है, नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा बच्चों, क्योंकि 15 नंबर ऐसे खैरात में नहीं दिए जा रहे, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। यही तो वो चेक करता है ना कि आपके अंदर सोचने की क्षमता है या फिर नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया भाई, कहा है ना कि एक छोटा जीवन अधिक मतलब कीमती है या महत्व रखता है कि एक लंबा जीवन। तो आंसर में तो सीधा सीधा बोला है ना, ए शॉर्ट लाइफ, ठीक है ना, ना कि लॉन्ग लाइफ, तो समझ गए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देख लेते हैं। हमने बताया ना, देखिए ये क्वेश्चन तो आपके, इनके जो क्वेश्चन है बच्चों इसको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, इनके आंसर तो आपको डायरेक्ट मिल गए, कुछ बनाना नहीं पड़ा इसमें। देखिए अब कह रहा है कि व्हाट शुड मैन प्रिफर टू डू इन लाइफ, व्यक्ति को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए। अब देखिए, अब इसका आंसर ऐसे आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, क्या करना चाहिए भाई, बार बार एक चीज बोल रहा है डेट्स,
यानी अच्छे कर्म के द्वारा अगर उसकी गिनती की जाती है, अगर भाई उसे लाइफ में क्या है कि वी लिव इन ए डीड, हम कर्मों में जीते हैं ना कि वर्षों में, इसका मतलब आंसर मिल गया बच्चों। हम लिखेंगे क्या, हमने बताया ना क्वेश्चन जिस टेंस में हो आंसर उसी टेंस में लिखना है रसगुल्लों। हम पहले कर्ता लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई यहां पर लिखेंगे मैन शुड, ठीक है ना। देखिए यहां पर लिखेंगे मैन शुड शुड प्रीफर, अभी तक कुछ लिखा नहीं, टेंस ही बना रहे, मैन शुड प्रीफर प्रीफर, मैन शुड प्रीफर टू टू डू, लिखेंगे गुड डीड्स यानी अच्छे कर्मों को, ठीक है ना भाई। हम क्या है, व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म में ही भाई क्या करना है उसे इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, तो इसको थोड़ा अपने से बनाना पड़ा है ना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है बच्चों व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कह रहा है कि व्हाट मेक यानी क्या बनाता है कैरेक्टर, माने हमारे चरित्र को ग्लोरियस मतलब शानदार, हमारे चरित्र को भव्य शानदार कौन बनाता है, चलिए देख लेते हैं आंसर इसका मिल जाएगा। देखिए बच्चों हमारे, देखिए ग्लोरी वगैरह मिल गया ना, हमारे कैरेक्टर को भाई साहब क्या है वास्तविक शान शौकत कौन प्रदान करता है, हमारे मतलब हमारे चरित्र को कौन निखारता है। चलिए आगे तो मिल गया बच्चों, क्या मिला, नोबेल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट, है ना। कहने का मतलब नेक काम, नेक कर्म, अच्छे कर्म जिसको बोलते हैं बच्चों, स्प्लेंडिड आइडियाज यानी शानदार विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट और अच्छी भावनाएं, यही क्या करती हैं हमारे चरित्र को और भी शानदार बना देती हैं। तो मिल गया आंसर, हम क्या लिखेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना, यहां से और यहां तक उसको नहीं लिखना है, व्हाट के स्थान पर, व्हाट के स्थान पर इतना छाप दीजिए बस, व्हाट के जहां व्हाट लिखा है बच्चों ये लिख दीजिए कि नोबेल डीड्स स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। है कितना आसान, बहुत आसान है, ठीक है ना। इससे आसान कुछ हो सकता है बच्चों, नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपके जो चार क्वेश्चन होंगे वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इसी में से मिलेंगे, और जो पांचवा होगा बच्चों, पांचवे में देखिए एक दो तीन क्वेश्चन होंगे, और सब में इनमें आपको ये बताना होता है कि ये जो शब्द है इसका मतलब जो कुछ होता है इसमें और कौन सा शब्द है कि उसका भी मतलब यही हो। मतलब जैसे बच्चों इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, अब इंपोर्टेंस का मतलब महत्व होता है, तो इस पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ महत्व होता है। तो चलिए देखते हैं कि भाई, देखिए ये मिल गया बच्चों, देखिए यहां पर कहां गया भाई, चलिए देखिए सिग्निफिकेंस मिल गया ना, ये मिल गया जनाब, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, कह रहा है तो इंपोर्टेंस मीन्स यानी इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। अब इसका अर्थ भाई इसमें और कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब महत्व होता है, तो मिल गया बच्चों क्या लिख देंगे, सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, क्या लिखेंगे सिग्निफिकेंस, मिल गया। कितना आसान है इसमें कठिन, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब कह रहा है कि नोबेल एंडेवर्स का मतलब होता है, हमने बताया ना, अच्छे प्रयास या अच्छे कर्म या नेक कर्म इसका भी होता है, तो इसका मतलब क्या है और कुछ मिलता है भाई, नेक कर्म क्या है, नोबेल डीड्स, तो हो गया ना इसी का मतलब, नोबेल डीड्स लिख दीजिए, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे कि नोबेल डीड्स, ठीक है ना, ये भी तो मिल गया बच्चों, कहीं अलग से ढूंढना पड़ा भाई, इसका मतलब यहां मिल गया और इसके वाले का ये मिल गया कि नोबेल डीड्स का मतलब नेक काम या अच्छे कर्म, ठीक। कोई इसमें दिक्कत है, कुछ भी नहीं बच्चों, बस थोड़ा सा आपको क्या है कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा अपना आईक्यू पावर आईक्यू लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से ही सारी चीजें पॉसिबल है, नहीं बाद में तुम भी जनाब पेपर देकर के आओगे और हमें गाली दोगे, है ना। चलिए इसमें अगला है कि बच्चों कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन इन डीड एंड इन डीड, कह रहा है कि इन डीड और इन डीड में क्या अंतर है। देखिए इन डीड साथ में मिलाकर लिखा है और यहां पर इन डीड अलग अलग लिखा है। इन डीड का मतलब होता है वास्तव में और इन डीड का मतलब होता है बच्चों जरूरत,
अब इंडीड का मतलब वास्तव में होता है, तो किसके अर्थ में वास्तव और कुछ लिखा है बच्चों, और कहीं पर लिखा है देखिए रियल लिखा है, रियल माने वास्तविकता, लेकिन इंडीड है तो यहां पर हम लिखेंगे रियली, ठीक है ना। रियली का मतलब होता है बच्चों वास्तव में, और इनडीड का मतलब होता है जरूरत, जरूरत। तो हम इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे सिचुएशन, सिचुएशन ऑफ नीड, यानी जरूरत की स्थिति। थोड़ा अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा कि सिचुएशन ऑफ नीड, नीड का मतलब जरूरत। आप कुछ भी इन डीड लिखा है, आप नीड अकेले लिख दीजिए, अरे इसको गोली मारिए, नहीं आता, कोई जरूरत नहीं बच्चों, लिख दिया बहुत है, ठीक। इस तरह से बच्चों आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा, मैं ये इस बात की गारंटी लेता हूं। अगर आप थोड़ा सा भी बढ़िया तरीके से पैसेज को एक बार पढ़कर इसके क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से अनसीन पैसेज का पोस्टमार्टम कर पाएंगे। अब इससे आसान तरीका तो जनाब कोई हो ही नहीं सकता है, इस बात का ध्यान देना बच्चों, एक बार दो बार पैसेज को अच्छे से पढ़ना, फिर क्वेश्चन को पढ़ना, फिर क्वेश्चन और इस पैसेज में उस चीज को मिलाने का प्रयास करना। मिल गया ठीक है, छाप दीजिए। जो कुछ नहीं आ रहा है थोड़ा समझ में, उसी जिस टेंस में कोई क्वेश्चन दिया है उसी टेंस में उसका आंसर थोड़ा अपने से लिखने का। भाई आपको नहीं आता, किसी और से पूछ लीजिए कि भैया इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है, वो अगर थोड़ा बता दिया तो आप यहां पर थोड़ा ढूंढ लेंगे, मिला लेंगे, बस इतना करना है, ठीक, बस यही आपको करना है और आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।